દાદરનગર હવેલીના સેલવાસ જૂના સચિવાલય ખાતે સુરત નેશનલ લો યુનિવર્સિટીનું નવું કેમ્પસ બનાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी तरफ संघ प्रदेश विद्यार्थियों ने वकीला क्षेत्र में कारकिर्दी बनावा प्रोत्साहन आपवा भागरूपे जूना सचिवालय खाते यूनिवर्सिटी नवो कैम्पस शुरू कर आगामी सत्र थी कैम्पस में एलएलबी नो कोर्स शुरू कराशे। नमस्कार, मेरा नाम नंदिता कुगनानी है। मैं एक टीचिंग और रिसर्च नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर से हूँ। हम गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अपना एक नया कैंपस सिलवासा में लेके आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं, जो दादर नगर हवेली और दमन दीव के बच्चे हैं, ये बच्चे इस लॉ कॉलेज में दाखिला लें। तो आज हमने कैंप लगाया है, हम उनको बता रहे हैं कि वकालत में क्या क्या आगे हो सकता है, कॉलेज में दाखिला कैसे लेना है, क्लैट के बारे में जो पेपर है, जो 18 दिसंबर को पेपर होगा। हम सिलवासा में 4000 इंडस्ट्री हैं, हम एक लेबर कॉन्फ्रेंस करेंगे दिसंबर में, जिसमें हम उनको जो नए लेबर कोड्स आए हैं उसके बारे में बताएंगे। हम देश से बेस्ट रिसोर्स पर्सन, जो बेस्ट लॉ कमिश्नर्स हैं, जो लेबर कोड कमिश्नर्स हैं, उन सबको लाएंगे और यहाँ सिलवासा में हम चाहेंगे कि लोगों को अपना कानून पता चले, बच्चों को यहाँ पे जो शहर में लोग रहते हैं, जो गांव में लोग रहते हैं, स्पेशली जो ट्राइबल बेल्ट के लोग हैं, तो हम यहाँ पे लीगल एजुकेशन कैंप्स लगाएंगे और अगले साल 2023 से हमारा यहाँ पे BA LLB जून में कोर्स स्टार्ट होगा। पूरे 5 सालों के लिए सारी फीस देंगे। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वकालत करें, जाने कि वकालत क्या है, अपने देश का कानून जाने, क्योंकि अगर आप अपना कानून नहीं जानते तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अपने अधिकारों को जाने, हम गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी चाहता है कि ऐसा हो और इसीलिए आज हमने ये कैंप